कैसे खोलें बच्चे का पीपीएफ खाता, कितना मिलेगा बच्चे को पैसा, जाने क्या है पूरा प्रोसेस। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता यानी पीपीएफ के बारे में सभी ने सुना होगा। ये एक लंबे समय की आयकर बचाने वाली बचत स्कीम है, लेकिन इसे बच्चे के नाम पर भी खोला जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिलेगी और आपका बच्चा अमीर बन जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप पीपीएफ अकाउंट को अपने बच्चे के नाम से कैसे खोल सकते हैं, साथ ही अगर आप अभी से खोलते हैं तो बाद में कितना पैसा आपके बच्चे को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आसानी से अमीर बन जाए तो पीपीएफ एक बढ़िया बचत स्कीम हो सकती है। इस वक्त पीपीएफ पर 7.10% का ब्याज दिया जा रहा है। ये एक 15 साल का बचत खाता होता है। इसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में कहीं भी खोला जा सकता है। यही नहीं, इसे बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। वैसे नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने बच्चे के नाम पर भी एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। शर्त ये है कि बच्चा नाबालिग हो। वहीं अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक बच्चे का नाम पर पिता और दूसरे बच्चे के नाम पर माँ पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकती है। ये पीपीएफ अकाउंट सामान्य पीपीएफ अकाउंट की तरह ही माने जाते हैं। इन पीपीएफ अकाउंट पर सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जहां एक बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करने की बात है तो एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कराया जा सकता है। वहीं एक वित्तीय साल में जहां न्यूनतम 500 रुपए जमा करना जरूरी है, वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। ये पैसा एक बार में या एक से अधिक बार में जमा कराया जा सकता है। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये पीपीएफ अकाउंट पूरी तरह से बच्चे के नाम पर हो जाएगा। यहाँ से माँ बाप का नाम गार्जियन के रूप से हट जाएगा। हालांकि इसके लिए एक आवेदन देना होता है। इसके बाद इस पीपीएफ खाते का मालिक पूरी तरह से बेटा हो जाएगा। पीपीएफ अकाउंट शुरू में 15 साल के लिए होता है। 15 साल बाद पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़े तो कुछ नियमों के तहत निकाला भी जा सकता है। वहीं अगर आप चाहें तो अपना पीपीएफ अकाउंट 15 साल पूरा होने के बाद 5-5 साल के लिए कितने भी बार बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ में अगर हर महीने 1,000 रुपए जमा किया जाए तो 15 साल बाद 3,18,000 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर 2,000 रुपए हर माह जमा किया जाए तो 15 साल बाद 6,37,000 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर 3,000 रुपए जमा किया जाए तो 15 साल बाद 9,76,000 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर 5,000 रुपए जमा किया जाए तो 15 साल बाद 16,27,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए जमा किए जाएं तो 15 साल बाद 32,54,000 रुपए मिलते हैं। यानी आपका बच्चा बालिग होने तक पूरी तरह से अमीर बन जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।